बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सएप बॉलीवुड। टीवी शो भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी का कैरेक्टर प्ले कर रही शुभांगी आत्रे को उस दिन जोर का झटका लगा जब उन्हें पता चला कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है। एक्ट्रेस ने तुरंत ही खुद को क्वारंटीन कर लिया और ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया। अब शुभांगी आत्रे ठीक हो चुकी हैं और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन पर क्या बीती और उन्होंने क्या कुछ सहन किया, हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इन सभी बातों का खुलासा किया। स्पॉट बॉय के साथ बातचीत में शुभांगी आत्रे ने बताया, शुरुआत में सब नॉर्मल सा था, मतलब खांसी और सर्दी जुकाम, लेकिन धीरे धीरे आपकी एनर्जी खत्म होने लगती है और बेचैनी होने लगती है। कई बार इतनी ज्यादा इरिटेशन होती थी कि रोने और चिल्लाने का मन करता था, लगता था कुछ तो गलत हो रहा है। ऐसा लगता था जैसे अब कोई कल नहीं आएगा, कोई सुबह नहीं होगी। शुभांगी ने बताया कि कैसे उन्हें सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई और कुछ खाने का मन नहीं करता। उन्होंने आगे कहा, सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई, कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, सोचते ही उल्टी जैसा मन हो जाता था। भगवान का शुक्र है कि मैं ठीक हो गई। वो सच में बहुत ही खराब वक्त था, लेकिन ऐसे वक्त में इंसान को खुश और पॉजिटिव रहना चाहिए। शुभांगी आत्रे ने ये भी खुलासा किया कि वो अपनी बेटी और अपने पति के बारे में पूरे समय चिंतित रहती थी कि क्या वो समय पर भोजन कर रहे हैं और वो दिशा निर्देशों का पालन ठीक से कर रहे हैं। शुभांगी आत्रे बोली, सोचती थी कि वो लोग मेरे बिना कैसे मैनेज करेंगे, क्या वो टाइम पर खाना खा रहे होंगे। कभी कभी सोचती थी कि क्या वो लोग कोरोना की गाइडलाइंस ढंग से फॉलो कर रहे होंगे या फिर नहीं। लगता था कि मुझे कहीं से कैसे भी पावर मिल जाए ताकि मैं पति और बेटी को बचा सकूं। तरह तरह के ख्याल आते थे, कहीं मेरी बेटी खुश है या नहीं, डिप्रेशन में तो नहीं। कोविड से उबरने के बाद अगर अब उनके हेल्थ के बारे में पूछा गया तो 40 वर्षीय एक्ट्रेस शुभांगी आत्रे ने कहा, मैंने अपनी एनर्जी लेवल खो दी है, मुझे थकान महसूस होती है और हर समय नींद आने लगती है। हम सभी हेल्थ एडवाइस, डाइट प्लान्स और फॉरवर्ड मैसेजेस से भरे हुए हैं और हमने उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लोगों को देखा है, लेकिन एक बात जो हम अक्सर नहीं समझते हैं वो ये है कि हर ह्यूमन बॉडी अलग अलग रिएक्ट करता है, इसीलिए किसी भी डाइट प्लान को लेने से पहले एक्सपर्ट से परामर्श करना चाहिए। मैं कंसल्टेशन में थी, मेरे डॉक्टर्स ने मुझे सुझाव दिया था कि मैं काढ़ा पीऊं और मैंने इसका पालन किया। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कोविड-19 के संकट के बीच शूटिंग करना ठीक मानती हैं, तो शुभांगी ने कहा, मुझे करना पड़ेगा। जैसा कि कोई समझ सकता है कि काम कितना जरूरी है और ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, मैं लालची नहीं हो सकती जबकि मेरी टीम एक परिवार की तरह मेरा ख्याल रख रही है, तो मैं अनप्रोफेशनल नहीं हो सकती और मेरी टीम कोई जोखिम नहीं ले रही है और स्थिति को देखते हुए निर्णय लिए जाते हैं, हमारी सुरक्षा पहली प्रायोरिटी है। वेल, तो ये थी कोविड-19 से इन्फेक्टेड होने के बाद शुभांगी आत्रे की जर्नी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।